Assalamualaikum, welcome to life with Ariba Faisal and I hope you all are doing well. तो जी जनाब, आज का जो ब्लॉग है ना वो हमारा नॉर्मल रूटीन पर है, लेकिन आज जो है ना कुछ होने वाला है स्पेशल, और वो स्पेशल चीज क्या है आप जब आगे जाके ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और जो वो चीज है वो शामिर भाई से रिलेट करती है। तो चलते हैं अपनी ब्लॉग की तरफ और शामिर भाई आप लोगों को जो है ना बताएंगे। तो आज जो है वीडियो स्किप किए बगैर जो है आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको पता लगे शामिर भाई जो है आज क्या चीज लेकर आए ब्लॉग में। जी यहाँ जो है ना मेरा मैडम की सुबह हो गई है और ये अपने कामों में मतलब अपनी शरारतों में जो है ना मसरूफ हो गई हैं, और ये इनके पास आई थिंक की है जो ये अभी देखेंगे नीचे गिर गई है ना, अभी इसको उठाने की कोशिश करेंगी। मेरा क्या हुआ, ये देखें ये देखें ये देखें, इसको उठाने के चक्कर में गिर भी सकती है। मेरा मैं देती हूँ आपको, ये लें ले। सुबह का टाइम जो है ना ये होता है मोस्टली, क्योंकि मुझे काम करना होता है, फैसल भी रेडी हो रहे होते हैं, तो मिहा को जो है ना मैं वॉकर में ही रखती हूँ मोस्टली, क्योंकि फिर हम कोई काम नहीं कर सकते या कोई रेडी नहीं हो सकता घर में। तो बस ये है कि मिहा को वैसे इस वॉकर में भी ध्यान रखना पड़ता है मिहा का काफ़ी, क्योंकि ये जो है ना बस बाइक अगर यहाँ पार्क होती है मोस्टली तो ये इसमें चली जाती है, फ्रिज का तार वगैरह पकड़ लेती है ये, तो बस अब इसका जो है ना काफ़ी इसमें भी ख्याल रखना पड़ता है। और यहाँ जो है हमारी चाय बन रही है और जैसे ही नाश्ता रेडी हो जाता है हम लोग नाश्ता करते हैं। जी अब जो है हम लोग नाश्ता वगैरह कर रहे हैं और फैसल ड्यूटी पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। नाश्ता कर रहे हैं, हम लोग दफ्तर से देखो टाइम हो गया है 11 बजने वाले हैं, तो वैसे भी लेट जाना था, पहले केपीओ जाना था मुझे एक दफ्तर, लेकिन वहाँ दूर है तो इसलिए मैं नहीं जा रहा, अब सीधा ऑफिस जाऊँगा और नाश्ता करूँगा सुबह। जी मेरा आप ही नाश्ता कर रही है, चले अभी हम नाश्ता करके मिलते हैं। तो बस हम लोग जो है जा रहे हैं मिहा की नानी के यहाँ और फैसल जा रहे हैं ड्यूटी, और मिहा जो है ना शोर मचा रही है ताकि जो है ना मैं इसको उठा लूँ, क्योंकि जब मैं चादर पहन लेती ना तो मिहा को ये होता है कि बस जल्दी से मामा मुझे उठा ले और मुझे छोड़ के ना चले जाए। मिहा आपको साथ लेके जा रही हूँ, मैं आपको साथ लेके जा रही हूँ, तो बस चलते हैं और वहाँ मिलते हैं। ये है मिहा का सैंटा क्लॉज और ये कितना प्यारा है मिहा का ये नया टॉय। मिहा ये ले, मेरा ये देखें, नया टॉय खेलते खेलते मेरा ये देखें, मेरा ये देखें, मेरा इधर आ जाए। मिहा को तो बस भागने से फुर्सत नहीं है। तो जनाब आज जो है ना खाने में अम्मी ने बनाए हैं बॉइल्ड राइस और ये मज़ेदार सी रेड वाली चटनी जो कि हमारी बचपन की याद ताज़ा करवा देती है। जब हम स्कूल से आते थे ना तो ये जो है ना अम्मी बना के रखती थी और हम लोग खाते थे, बड़े मज़े के लगते थे उन दिनों में। और आज जो है काफ़ी टाइम बाद ये बने हैं तो बस अब जो है हम दिन का खाना खाते हैं। और यहाँ जो है मिरहा के बाबा ड्यूटी से वापस आ गए थे और मिरहा जो अपने बाबा के साथ खेल रही थी, और ये सेंटा जो है ना मिरहा को बहुत पसंद है, तो बस ये अभी सो के उठी थी और इसी के साथ खेल में लगी हुई थी। और जो है ना ये जो है मिरहा का फेवरेट टॉय जो है ना तकरीबन बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? तो आप सोच रहे हो यार ये शामिर भाई ने आज ये केक क्यों पहनी हुई शेफ वाली, तो पता है आप सोच रहे हो, अगर नहीं भी सोच रहे तो मैं फिर भी आपको बताऊंगा कि आज मैं आपको बनाऊंगा बताना सिखाऊंगा वेज मोमोज की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा लजीज बनते हैं और उसके साथ एक चटनी होती है जो कि बहुत ही स्पाइसी होती है, और वो मोमोज ऐसे मैं आपको बना रेसिपी दूंगा कि आप खाएंगे और खाते रहेंगे, शेफ शामिर का वादा है आपसे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और आपको बताते हैं कि किन किन चीज़ों की जरूरत बनती है और मोमोज कैसे बनते हैं। तो चलिए आए किचन में चलते हैं। हम इसमें डालेंगे तेल, कुकिंग ऑयल डालेंगे, सरसों का तेल नहीं डालेंगे, और थोड़ा सा हाई फ्लेम में हम तेल को थोड़ा गर्म होने के लिए रख देंगे। और अब लहसुन अदरक का जो है ना पेस्ट डालेंगे हम लोग भर के, और
शामिल भाई की जो है कचक की रेसिपी है बहुत मजेदार बनते हैं। पहले भी शामिल भाई एक जगह ट्राई कर चुके तो हमें तो काफी पसंद आए थे, तो सोचते कि आज जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दें। मजे मजे से इसको अभी हम करेंगे लाइट ब्राउन, गोल्डन कलर आ जाएगा तो ये है कि अच्छी बदबू खत्म हो जाएगी लहसुन अदरक की। और अब थोड़ा सा ये हम लोग चिकन है और जमीन के हल्का सा चिकन भी डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर आ जाएगा वी आई पी वाला। और चिकन को जब तक थोड़ा सा गोल्डन नहीं जाए तब तक हम फ्राई कर लेंगे। ये मोमो ऐसे नहीं है कि यार आप लोगों ने अगर एक बार खाए ना तो साथ मसला आपकी याद रखेंगी, वो बच्चे आते हैं ना आपको तंग करेंगे कि यार शामिल भाई की रेसिपी के मोमो खाए हैं, शामिल भाई की रेसिपी के मोमो खाने हैं। यार बस रेसिपीज देखता रहता हूँ मैं, इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में आपको और भी बहुत सी रेसिपीज मिलेंगी हमारे चैनल को। बस ये कि आपको चैनल का ना फुल सपोर्ट करना है, बहुत मेहनत करते हैं यार हम लोग, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, रोजाना कंटेंट सोचना, रोजाना वीडियो का करना घर के काम के साथ आसान नहीं होता, खास तौर पे लेडीज के लिए। हम तो चलो लड़के हैं, खाना बनाना लेडीज के लिए वो तो। अब ये जो है इसके अंदर है सब्जियां जो कि हैं गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च और ग्रीन वाली प्याज, इसको मैंने बिल्कुल चॉप कर लिए ताकि प्याज है नॉर्मल भी डाल सकते हैं, वैसे ग्रीन वाली भी डाल सकते हैं। शिमला मिर्च है, गोभी है और गाजर है तो ये हम डाल देंगे। चिकन को पकाने के बाद ज्यादा नहीं पकाना चिकन को वरना वो गल जाएगी, इसके साथ सब्जियों के साथ वो पूरी पक जाएगी। हाफ पकाना है चिकन को, ये सब्जियां डाल देंगे हम। बेसिकली तो ये वेज है लेकिन मैं हर खाने में अपना एक टच देता हूँ, यही जो है ना शामिल भाई का सीक्रेट है। और बेसिकली अगर आप बात करें कुकिंग से रिलेटेड तो कुकिंग से रिलेटेड हमारा चैनल तो नहीं है, लेकिन जो है ना समटाइम्स जैसे कि पापा शेयर कर रहे होते हैं हमारे चैनल पे रेसिपीज ये शामिल, तो मुझे ये होता है कि मैं जो है ना कोई ना कोई यूनिक रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँ जो भी घर में बन रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये रेसिपीज भी पसंद आती होंगी। तो अभी मैं जो है ना सब्जियों को ना सोटे करूंगा ताकि हल्की सी नरम हो जाए, वैसे इसको ज्यादा कच्चा नहीं रखना है क्योंकि ये फीलिंग है एक तरीके की मोमोज के ना फीलिंग जाती है। तो सब्जियों को बिल्कुल ऐसा कर देना है मैश टाइप का कर दो, बिल्कुल अच्छा है बिल्कुल नरम हो जाएगी ना तो उसको सही से पका लेना, कुक कर लेना, कच्ची नहीं रहनी चाहिए क्योंकि ये फीलिंग है। ये कोई एक होता है ना हम लोग सोटे करते हैं मैक्रोनी के लिए उसके लिए तो उसमें थोड़ा कच्चा छोड़ते हैं, वैसा नहीं करना। हम लोग के डो के लिए है कि हम लोगों ने लिया है ये तकरीबन ढाई पाव तीन पाव तक में हमने ये मैदा लिया है, जितना आपको अंदाजा हो मतलब अपने हिसाब से लेना। और ये हम डालेंगे इसमें नमक, मतलब ज्यादा नहीं डालना, नॉर्मली लोगों को पता है। और अब हम इसमें ये डालेंगे पानी डाल देंगे और इसकी आपने डो बनानी है जी। और ये डो को ना मतलब बनाने के बाद आधे घंटे तक, आधा घंटा एक घंटे तक इसको ना रखना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, रेस्ट देना है इसको। ओके आप ये आटे की डो मैंने ना बना दी है और आटा मतलब उसको आधे घंटे के लिए हमें स्टे पे रेस्ट पे छोड़ देंगे। बाकी ये सब्जी जो है अभी आप देख सकते हैं नरम हो गई और अब इसके अंदर हम एक चीज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हम थोड़ा सा मैश कर देंगे इससे, इससे ये जाएगा कि खाने में ना थोड़ा ज्यादा मोटा मोटा नहीं आएगा आपको, मैश हो जाएगी। मेरे पास रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून और ब्लैक पेपर है 1 टेबलस्पून, थोड़ी सी कसूरी मेथी जायके के लिए, हल्दी है 1 टेबलस्पून और धनिया है पिसा हुआ, इसको हम डाल देंगे और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक हम इसमें डाल देंगे, रख गए। आप ये देख सकते हैं यार क्या कलर आ रहा है इसका, ऐसा लग रहा है कि रोटी से खाते उसकी फीलिंग ऐसी जबरदस्त बन गई। तो मैंने ना सब्जियों को
अच्छी तरीके से पका लिया है और आप कलर वाइज भी देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा कलरफुल और मसाले से रस बढ़ गई है बिल्कुल। और हाँ, एक चीज इसके अंदर और ऐड की है, आपको अगर ऐड करना चाहो अवेलेबल हो घर में, चिकन पाउडर जो होता है वो मैंने थोड़ा सा ऐड किया ताकि इसका जायका थोड़ा अच्छा है। तो उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से ना इसका जो है ना तेल को मैंने ना खुश कर लेना है ताकि, क्योंकि मोमोज की जो उसकी डो होती है ना उसके बाद अगर ऑयल लगेगा तो वो डो फट जाती है, कभी नरम हो जाती है, तो खुश कर लेना, ड्राई कर लेना। चलो भाई, अरे भाई खुशबू कैसे आ रही है आपको? ये जो है ना खुशबू से तो मैं, मुझे जो दिल चाह रहा है कि बस मैं इसकी फिलिंग जो है ना सारी खा लूं, लेकिन वेट करते हैं मोमोज बनने का और उसको टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर बताएंगे आपको कैसे बने। तो हम लोगों ने मसाला तो उसका बना लिया है मोमोज की फिलिंग से, बाकी डो हमारी ये पड़ी हुई तो इसको करेंगे बंद और आपको दिखाते हैं ये जो डो है इसकी ना हमने ऐसे करके बॉल्स बना लेनी और आपको साइज का आपके हिसाब से रख लेना, वैसे तो साइज छोटे ही होते हैं मोमोज के और बाकी हम आपको अभी बताते हैं उनकी शेप कैसे बनेगी। तो जो बॉल थी ना उसको ना हल्का छोटा सा बेलना है, ज़्यादा नहीं बेलना, इसके अंदर हल्की सी फीलिंग बननी है सही, और इसको यहाँ से ऐसे करके अगर आपको कैमरा में हमारा दिखाएं इसकी ऐसे पोटलियाँ बनानी है ऐसे, देख सकते हैं कि मैंने सारे मोमो जितनी भी बॉल थी ना उसके मोमो को शेप दे दी और यही शेप देनी है, आपकी मर्जी आप कैसी भी शेप दे सकते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन ज़्यादा अगर मोमो की शेप देखी जाए तो इसी शेप में मोमोज बनते हैं और इसके में जिस हिसाब से मैंने आपको फिलिंग बताई उसी हिसाब से आपको डालनी है और ऑयल नहीं डालना फिलिंग का क्योंकि आपके मोमोज भी टूट जाएंगे। बाकी हम आपको बताते हैं कैसा, बाकी हम आपको बताते हैं स्टीम कैसे करनी है। ये जो है ना जो आप देख सकते हैं और बाकी ये है कि शेप जो है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और इसके नीचे ना आप जिस ट्रे में रखा होता है ना उसके नीचे आप आटा सूखा फेंक दो ताकि आप उठाओ तो ऐसे उड़ जाए आराम से, मतलब देखें कैसे उठ रहा है। तो हम लोगों ने एक बड़ा सा देगचा लिया उसको हमने आधा पानी से भर दिया और उसको बंद करके तेज आंच पे उबाला ताकि इसमें बॉईल आ जाए, स्टीम हो जाए इसके अंदर। अभी देखें आप पूरा पानी तेज गर्म है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने मोमोज सारी शेप बना कर दी, अब इसको एक एक को उठाते हैं। ये है स्ट्रेनर जिसके अंदर से मतलब चावल वाला छानते हैं, स्टील का होना चाहिए, प्लास्टिक का मत रख देना वरना पिघल जाएगा। तो इसके अंदर से ना इसकी हीट जब आएगी ना ऊपर ऊपर तो ये पकते रहेंगे, इसको यहाँ रख दिया पानी में अच्छा सा जो है ना बॉईल आना चाहिए, जितने ज्यादा आ सके उतने ज्यादा आप डाल दो और यार ये बहुत लजीज बनता है यार। इसकी चटनी का भी मैं आपको अभी बताऊंगा चटनी का क्या प्रोसेस है इसकी। आपने देखा मैंने किस तरीके से ये चारों तरफ से साइडों पे ना ऐसे ऐसे रख दिया इसको, बाकी आप इसकी टेंशन नहीं ले, जब ये स्टीम में जाएगा ना तो ये खुद को हार्ड हो जाता है, मेरा हार्ड तो बहुत इसकी ना पक जाता है ना मेरा तो खुद ही अलग हो जाता है। इसको अब हम इस तरीके से यहाँ ऐसे रख देंगे सही, तो इसके ऊपर रख देंगे हम ये और इसके ऊपर कोई बड़ा पत्थर रख देंगे, पत्थर रख दें कोई भी वजन रख दें जिससे इसकी स्टीम भरना है बस, और उसको हम करीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो ये है इसकी चटनी, जो रेड वाली चटनी होती है लहसुन वाली चटनी, जो आपको बेसिकली पता ही होगी कि किस तरीके से बनती है। तो बहुत से लोग जो है ना मायो के साथ भी खाते हैं और रेड चटनी के साथ भी और ग्रीन चटनी के साथ भी, केचप के साथ भी, जिसके साथ आप जो है ना खाना चाहें, लेकिन इसकी जो रेसिपी है ना वो इसके अंदर जो है हमने डाले टमाटर, लहसुन है इसके अंदर और जीरा है, कुटी हुई मिर्चे हैं, लेमन है और बस जो है ना उसको पानी के साथ डाल के जो ब्लेंड किया और लास्ट में इसके अंदर नमक और लेमन ऐड कर दिया और ये जो चटनी मजेदार थी तैयार। और अगर आपको चटनी के साथ खाना है चटनी के साथ खाओ, केचप के साथ खाना है केचप के साथ खाओ, और इसकी एक और सॉस बनती है जो है गार्लिक मायो, वो उसके साथ भी बहुत जबरदस्त बनता है, वो इंशाल्लाह आपको फिर कभी बताएंगे गार्लिक मायो की अलग से रेसिपी कैसे बनता है सारे सॉसेज। तो बस ये जो है ना मजेदार सी चटनी है और इसकी रेसिपी मैंने आपको शॉर्टली बता दी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। ये फाइनली जो है स्टीम, आपको उसको पता ऐसे चलेगा कि डो थोड़ी नरम नरम भी ऐसे हो जाएगी रबड़ जैसी, तो ये पक चुका है बिल्कुल। तो अभी हम इसको आपको डिश आउट करके दिखाते हैं, ये फाइनल लुक आप देख सकते हैं ये मोमोज,
इसके अंदर आप डिप करके उसको खाएं, बहुत ही जबरदस्त बनेगी। तो अलीपुर भाजी आप उसको टेस्ट करके बताएं कैसा बनेगा। चले मैं भी रिव्यू देती हूँ, दिखने में तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। तो जी फाइनली ये मोमोज में जो है चख के रिव्यू दे दूँ शामिर भाई को। ये इसमें मैंने चटनी में डिप किया अच्छे से, बहुत ज्यादा मजे के हैं शामिल भाई। चलिए पेश करती हूँ मैं आपको रेसिपी के लिए। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बनाए शामिल भाई ने ये, आप लोग भी ट्राई करें। और शामिल भाई की जो है ना रेसिपी ये हिट जाने वाली है। और बस मैं आप लोगों को यही कहूंगी, देखिए इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं कंटेंट पे अपने, बस मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सारे खत्म कर दूं। स्पाइसी चटनी है बहुत ज़्यादा ना, और अपने हिसाब से आप मिर्चें रख सकते हैं, हमें स्पाइसी पसंद है तो हमने स्पाइसी रखी है इसको। और इस तरह की रेसिपीज अगर आप लोग और चाहते हैं कि शामिर भाई या पापा लेकर आएँ तो कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। और देखिए कितना मुश्किल होता है कंटेंट वगैरह जो है ना सर्च करना, ढूंढना और बनाना। तो बस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जो है ना कमेंट करके हमें रिव्यू ज़रूर दिया करें। वीडियोस कैसी लग रही हैं आप लोगों को, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में या नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आप लोगों को पसंद आए, जो भी आप बताना चाहें तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।